सिविल सर्जन एकदम भ्रष्टाचारी है एक भी काम अच्छे से नहीं कर रहा है हॉस्पिटल का भी एकदम लचर गया हुआ है दलालों से भरा हुआ है और दलाल है इसमें शिविर सर्जन का कर्मचारी नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज मैं हूं आपके साथ आरिश कुमार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालात है यह किसी से छुपा नहीं है लगातार जो लचर व्यवस्था है उसका पोल अक्सर खुलता रहता है सीतामढ़ी में एक ऐसा ही मामला आया है जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है वो भी स्वास्थ्य विभाग में लगातार जो है अलग अलग लोग जो है इस पर जो है मुद्दा उछाल रहे हैं मामला जो है इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है गायत्री जी हैं ये डीएम को भी अपना ज्ञापन सौंपी थी उस दिन जो है यहाँ के मंत्री आए हुए थे प्रभारी मंत्री उस संदर्भ में भी बातचीत किया गया लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो सका है क्या मामला था मैम बीस तारीख के हम लोग की बैठक हुआ था और स्वास्थ्य विभाग जो लचर है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसमें हमारे प्रभारी अशोक चौधरी आए थे और जिस बैठक हुआ था हमने आवाज़ उठाए जो स्वास्थ्य विभाग का जो कर्मचारी है मुरारी लाल कर्ण और मणिभूषण शरण और जब पटना हाई कोर्ट के आदेश था और लोक शिकायत में भी था से ये दोनों को हटाना है फिर भी जो यहाँ का सिविल सर्जन है और उसने उस दिन जब बैठक हुआ था तो मंत्री जी बोले थे से दोनों को हटा देना है और शाम तक इन लोग का चिट्ठी निकल जाएगा फिर भी आज तक आज चार अक्टूबर है अभी तक वो लोग का नहीं निकाला गया है और सीतामढ़ी का जो डीएम एम साहब बहुत अच्छे हैं काम भी कर रहे हैं और इस पर उनको गंभीरता से लेना चाहिए और सोचना चाहिए जो सारे भ्रष्टाचारी है एक ऑफिस में जुड़े हुए है बैठे हुए हैं उसको हटाना चाहिए और हम भी बात डीएम साहब से किए थे वो बोल रहे बोले थे हमको भी बोले से हम कल तक उसको हटा देंगे मैं फिर भी अभी तक नहीं हटा और ये पूरे जो हॉस्पिटल में चल रहा है सिविल सर्जन एकदम भ्रष्टाचारी है एक भी काम अच्छे से नहीं कर रहा है और हम भी अपने ब्लॉग में भी घूमते हैं जहाँ पर भी पोस्टेड है डॉक्टर लोग है सप्ताह में एक दिन जाती है कभी जाती नहीं है और वहाँ हॉस्पिटल का भी एकदम लचर गया हुआ है दलालों से भरा हुआ है और दलाल है इसमें सिविल सर्जन का कर्मचारी है आज हमारे देखिए स्वास्थ्य विभाग जो कहता है और स्वास्थ्य विभाग का जो मंत्री है जब वो कहता है हमारी सरकार आएगी तो लोगों के अच्छा स्वास्थ्य होगा क्या आपने अच्छा स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता किए हैं आपने जनता के लिए चिंता किए हैं और आपने जो गलत काम किए हैं वो जनता सब देख रही है एक भी स्वास्थ्य विभाग में आपका अच्छा काम नहीं चल रहा है नहीं दावा है नहीं आपका भ्रष्टाचारी कर्मचारी सब हटता है हर जब, जब 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 मीटिंग होता है तब हम तब हम समय पर उठाते रहते हैं फिर भी क्या बात है भाई क्या है सिविल सर्जन को वो पूरे ऑफिस से पैसा असुल के सीबी सर्जन को देता है मुरारी लाल अरकर्ण और मणिभूषण शरण तो क्यों न हटता है जब ऐसा आप बहुत अच्छे हैं सीबी सर्जन है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आपका मंत्री भी अच्छे काम कर रहे हैं तो इसको हटाना चाहिए ना तो क्यों भ्रष्टाचारी में लिप्त अब भी अब भी लिप्त है या सर्जन भी लिप्त है या कर्मचारी भी लिप्त है जब तक वो कर्मचारी नहीं हटेगा तब तक सीतामढ़ी का स्वास्थ्य विभाग का कोई काम अच्छा नहीं होगा आज लोग प्राइवेट में जाते हैं गरीब लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं रहता है वही लोग जाते हैं स्वास्थ्य विभाग में फिर भी आपका स्वास्थ्य विभाग का एक भी काम अच्छा नहीं है और हमारे गरीब लोग जाते हैं प्राइवेट में कहीं भी प्राइवेट में आप चले जाइए देखिए एक बार बीस बीस हजार पच्चीस हजार के आता है हम भी जाते हैं हम लोग भी पैरवी करते हैं हमेशा लगे रहते हैं और काम करते रहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है और डीएम साहब के भी आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से मैं डीएम साहब के भी कहना चाहती हूँ जे आपने वादा किए थे तो से शाम तक उसको हटवा देंगे आज तक नहीं हटा है का भी आदेश है। अभी तक नहीं हटा है इसलिए डीएम साहब इस पर सोचिए हमारी जनता कैसे रहेगी कैसे उसका स्वास्थ्य का अन्न कैसे स्वास्थ्य अच्छा हो पूरे स्वास्थ्य चरमरा गया हुआ है और ये तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाएंगे रे आपसे हटने वाले हैं जब हम लोग की सरकार थी तो आपने पी एम से देखिए जाके बना है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बना है और सीतामढ़ी के भी उस समय के काम देखिए अभी के काम देखिए अभी तो पूरे भ्रष्टाचारी में लिप्त है लोग पूरे भ्रष्टाचारी में है आपके माध्यम आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ जब तक ये कर्मचारी नहीं हटेगा तो हम आंदोलन पर बैठेंगे आंदोलन करते रहेंगे ये भ्रष्टाचारी कर्मचारी को हमको हटाना है और जनता को लाभ अच्छे से मिले इसके लिए हमेशा हम आंदोलन करते रहेंगे